पाकिस्तान के में इस वक्त की बड़ी खबर जानिए कि जमाते इस्लामी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जमाते इस्लामी चीफ सिराजुल हक चुनाव हार गए हैं। JUIF चीफ मौलाना फजलुर रहमान भी चुनाव हार गए हैं। ये फजलुर रहमान की तस्वीर है, आप याद होगा ये इमरान खान के खिलाफ जो है यात्रा लेकर निकले थे, तस्वीरों में उस समय बड़े आगे थे और इनसे जुड़ी खबर भी आ रही थी, ये भी चुनाव हार गए हैं। पाकिस्तान के चुनाव की बड़ी बातें मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। अब तक क्या क्या हुआ है पाकिस्तान में, जो वोटिंग हुई, काउंटिंग हुई, रुझानों और नतीजों में देरी हुई है। ऑब्वियस बात है, जब धांधली होगी तो देरी तो होगी ही। रुझानों में इमरान समर्थक जो हैं आगे चल रहे हैं, पार्टी का सिंबल इनके पास नहीं है लेकिन क्रेज ज्यादा है, वोटरों को लुभा पाए हैं ये, तो आगे चल रहे हैं। नेशनल असेंबली में PTI को बहुमत मिल सकता है, PTI समर्थित जो कैंडिडेट हैं उनको बहुमत मिल सकता है, लोकप्रियता है, आगे चल रहे हैं, वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की पार्टी है और तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP है। अब तक के चुनाव की यही अपडेट है और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है पाकिस्तान चुनाव से जुड़ी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, NA 127 मतलब नेशनल असेंबली 127 से बिलावल चुनाव हार रहे हैं। PPP के PM कैंडिडेट हैं बिलावल भुट्टो, इमरान समर्थित उम्मीदवार पहले नंबर पर हैं। कई एक बिलावल भुट्टो को यह अंदाजा शायद पहले से था जलालुद्दीन, इसलिए वो एक से ज्यादा सीटों से चुनावी मैदान में थे। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान में हमें इस इलेक्शन में देखने को मिला कि जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने मल्टीपल सीट से इलेक्शन लड़ने की इस दफा कोशिश की कि उनको शायद देखा जा सके, क्योंकि वो डर था कि हमें एक सीट से जो है वो जीत शायद ना मिले, तो इस वजह से उन्होंने मल्टीपल सीट। अभी की जो मैं अपडेट आपको ताज़ा बता रहा हूँ कि अभी एक और सीट जो है वो पीपल्स पार्टी ने जीत ली है, तो अब टोटल 4 सीट्स इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ लम्हा ब लम्हा। 4 सीट्स PTI इस वक्त जीत चुकी है और 4 PMLN की जानिब से सीट्स जीत चुकी हैं और 3 जो हैं, अब पहले 2 थी और अब 3 जो है सीट्स वो पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सबसे खतरनाक जो एरिया लग रहा था, हम रात को भी हम सारा कुछ रिपोर्ट कर रहे थे कि वो लाहौर की जो सीट है जिसमें नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद के अगेंस्ट है वो भी अभी खतरे में है, और सियालकोट की सीट है जिसमें ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं वो सीट हार चुके हैं PTI की कैंडिडेट रेहाना। और PTI के कैंडिडेट जो है वो कई जगहों पर बाकी पार्टियों के कैंडिडेट्स को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।